हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्यूज के बारे में। आखिर ये फ्यूज क्या है, कैसे वर्क करती है, और इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा एडवांस पे लेके चलना चाहता हूं कि आखिर ये जो फ्यूज है इसका रेटेड करंट यानी कि IN क्या होता है और ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज क्या है। तो गाइस प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अगर कोई भी डाउट क्लियर होता है प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, और आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस है वो आपके तक बहुत आसानी से चले जाए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं जो है एक इलेक्ट्रिकल का प्लेलिस्ट बना दिया हूं जहां पर बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस जो है आपको उधर मिल जाएंगे। तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप उधर से जाकर के सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने नॉलेज को और भी ज्यादा शार्प कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आज बात करते हैं आखिर व्हाट इज फ्यूज। तो गाइस फ्यूज को अगर देखा जाए तो फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है और ये जो है हाई करंट फ्लो होने पर ऑपरेट होती है और आगे हमारे जो भी अप्लायंस लगे होते हैं उस अप्लायंस को जो है ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मुझे एक जो है इंटरव्यू क्वेश्चन याद आ गया कि जो कि मेरे ही इंटरव्यू में पूछा गया था, 3-phase 4-wire सिस्टम में जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं क्या वो चौथा जो वायर हमारे न्यूट्रल है, क्या हम लोग उसमें फ्यूज लगाते हैं। तो गाइस आपको याद रखना है कि ये जो फ्यूज है ये हमेशा फेज लाइन पे लगता है, न्यूट्रल पे नहीं लगता है, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर है ना वो फ्रेशर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता करना चाहता है। तो गाइस आपको हमेशा याद रखना है ये जो फ्यूज है इसे हम लोग जो है सिर्फ फेज पे ही लगाते हैं, हम लोग इसे न्यूट्रल पे नहीं लगाते। गाइस ये जो फ्यूज है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है, इसके अंदर जो है एक स्ट्रिप लगा होता है और वो स्ट्रिप जो है डिफरेंस मटेरियल का हो सकता है, वो सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, डिफरेंस मटेरियल का होता है। तो जब भी हाई अमाउंट ऑफ करंट इसके थ्रू पास होता है तो ये जो मटेरियल है इसका एक मेल्टिंग पॉइंट है और उस मेल्टिंग पॉइंट तक जब ये गर्म होता है तो ये जो है मेल्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो फ्यूज है वो कट जाता है। फ्यूज के अंदर जो स्ट्रिप लगे होते हैं वो स्ट्रिप का जो साइज है वो डिपेंड होता है करंट के ऊपर। जैसे किसी फ्यूज का करंट रेटिंग बहुत ज्यादा है तो वो स्ट्रिप जो है उसका साइज बहुत ज्यादा होगा, या फिर अगर किसी फ्यूज का करंट रेटिंग बहुत कम है तो वो जो फ्यूज होगा फ्यूज के अंदर जो स्ट्रिप है उसका साइज जो है बहुत कम होता है। अब बात करते हैं आखिर ये रेटेड करंट क्या है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक इंटरव्यू में जो ये पूछा जाता है फ्यूज का रेटिंग करंट क्या है। तो गाइस सपोज मान लीजिए कि कोई एक 16 एम्पियर का एक फ्यूज है, तो ये जो 16 एम्प्स है ये जो है उसका एक रेटिंग करंट है, ये 16 एम्प जो है वो एक रेटेड करंट है उस 16 एम्पियर का फ्यूज के लिए, क्योंकि 16 एम्पियर तक करंट अगर कंटिन्यूसली फ्लो होता है तो वो जो है कभी भी डैमेज नहीं होगा और वो जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये जो है रेटेड करंट क्या है, तो आपको ये बताना है कि जो हमारा फ्यूज है उस फ्यूज में जो रेटेड करंट जो है हमारा दिया रहता है, सपोज 16 एम्प्स, 20 एम्प्स, 24 एम्प्स, तो उसे जो है हम लोग रेटेड करंट कहते हैं। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्यूज के बारे में आंसर दे दोगे, फ्यूज के टाइप्स के बारे में, फ्यूज कैसे वर्क करता है, रेटेड करंट क्या है फ्यूज का, तो आपसे जो है वो क्रॉस क्वेश्चन ये करेगा कि ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज क्या है। तो गाइस इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज है ये आपको बताती है कि सपोज मान लीजिए कोई 16 एम्प्स का एक फ्यूज है, तो उस फ्यूज में अगर इंस्टेंट करंट अगर किसी भी कारण से ऑकर होता है, शॉर्ट सर्किट या फिर किसी भी कारण से अगर करंट ऑकर होता है उसमें, तो वो जो है इंस्टेंट करंट बहुत बढ़ जाता है, जो कि उसको झेलने का जो ताकत है उस फ्यूज का वो खत्म हो जाता है, वो जो है उस जगह ब्लास्ट कर जाता है, तो उसे जो है ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज कहा जाता है। गाइस अब आपके मन में जो है एक सवाल आया होगा, क्या ये ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज जो है ये हमारे जो फ्यूज हम लोग यूज करते हैं क्या उसमें लिखा हुआ रहता है, यानी कि जो हम लोग फ्यूज यूज करते हैं उसके बॉडी में क्या वो मेंशन रहता है ब्रेकिंग कैपेसिटी आखिर कितना तक है। तो इसका जवाब है हाँ। एग्जांपल के लिए जो है एक फ्यूज लिया हूं जो कि 20 एम्प्स का एक HRC फ्यूज है, तो इस HRC फ्यूज में आप देख सकते हो कि इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो 80 किलो एम्प्स है। तो आप समझ सकते हो गाइस कि ये जो करंट ये इंस्टेंट एक टाइम पे फ्लो होने वाला है, ऐसा नहीं कि इसमें जो 80 किलो एम्प्स तक एम जो करंट है ये फ्लो होते ही रहेगा, तो इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस इसी तरह जो है डिफरेंस फ्यूज में डिफरेंस तरह का जो है ब्रेकिंग कैपेसिटी रहता है वो डिपेंड करता है कि वो जो फ्यूज आप यूज करें वो कौन से टाइप का फ्यूज है। आई होप गाइस कि मैंने आपको समझा सका कि आखिर ये फ्यूज क्या है, ये कैसे काम करती है, और ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज क्या है, और फ्यूज का करंट रेटेड क्या है।
तो गाइज अगर आपको मेरे समझाने का टेक्निक अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ है ना वो आपके तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लीज़ अपना जो बेल आइकन है उसे जो है आप ऑन करके रखिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ है वो आपके तक नोटिफिकेशन बेल के थ्रू जो है पहुँच जाए ताकि आपको भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको पता चल सके। गाइज अगर आप किसी को भी मेरे से पर्सनली बात करना है तो मैं जो है अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, आप उधर से जाकर के मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, कोई भी अगर सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।